आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो सवाल कह रहा है द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, यानी कि जो हमारा वाटर का पोटेंशियल होता है किसका, प्योर वाटर का, वो क्या होता है, उसी के बारे में बताना है कितना होता है। सबसे पहले बात करता हूँ वाटर पोटेंशियल के बारे में। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? तो वाटर पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है। किसी भी एक सिस्टम में अगर मैं बात कर रहा हूँ वाटर पोटेंशियल की, तो वो होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी देख रहे होते हैं हम, किसकी देख रहे होते हैं हम? वाटर की पोटेंशियल एनर्जी देख रहे होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, जब उसकी एनर्जी को हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, हम प्योर वाटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो वो होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं पोटेंशियल एनर्जी ये होता है कि हाउ फ्रीली द वाटर पार्टिकल्स कैन मूव इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। कितना फ्रीली वो मूव कर सकते हैं, तो उसी को हम वाटर पोटेंशियल के द्वारा दर्शाते हैं। अब मैं बात करता हूँ वाटर पोटेंशियल के बारे में थोड़ी सी और, तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे ग्रीक सिंबल साई से। इसको हम बोलते हैं साई, और इसके जो यूनिट होती है वो होती है हमारी किलो पास्कल्स। हाँ जी, किलो पास्कल्स के अंदर हम इसको डिनोट करते हैं और इसको लिखा जाता है साई के रूप में। तो साई अगर मैं डब्ल्यू लिखता हूँ तो ये हमारा क्या कहता है, वाटर पोटेंशियल। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ आपको इसके बारे में, तो जो वाटर पोटेंशियल होता है कभी भी वो पॉजिटिव नहीं होता है। हाँ जी, कभी भी ये पॉजिटिव नहीं हो सकता है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है हमारी जीरो। हाँ जी, जीरो ही होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ये नेगेटिव के अंदर वैल्यू दिखा सकता है लेकिन पॉजिटिव में ये नहीं जाता है। ये तो मेरी बात हो गई किसकी, हमारे वाटर पोटेंशियल की। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक तरफ है मेरा प्योर वाटर और वहीं दूसरी तरफ है मेरा वाटर प्लस सॉल्यूट, या वाटर के अंदर मैंने कोई भी सॉल्यूट डिजोल्व कर रखा है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो अगर मैं देखूं यहाँ पे जो वाटर है वो प्योर है, यानी कि इसके जो सारे पार्टिकल्स हैं वो फ्री हैं, फ्रीली वो मूव कर सकते हैं इधर उधर। तो ये तो मेरी बात होगी प्योर वाटर की। लेकिन अगर मैं बात करूँ वाटर के अंदर सॉल्यूट, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? वो ऑब्वियसली वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि उसी में डिसॉल्व हो रहे हैं। तो सॉल्यूट पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ, तो जो वाटर के पार्टिकल हैं मूव करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कम, यानी कि वाटर जो फ्रीली मूवेबल पार्टिकल्स होते हैं वो जाते हैं यहाँ पे कम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल हो जाता है हमारा नेगेटिव, यहाँ पे हमारा वाटर पोटेंशियल होता है नेगेटिव। लेकिन अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ प्योर वाटर का, तो यहाँ पे हमारा वो होता है पोटेंशियल वो होता है जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारा सॉल्यूट नहीं है, वाटर किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए उसके सारे मॉलिक्यूल होते हैं हमारे फ्रीली मूवेबल। तो इसकी होती है हाईएस्ट वैल्यू, और इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है हमारी जीरो। तो प्योर वाटर की हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? जीरो हो सकती है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, दैट इज जीरो। बाकी वाले ऑप्शन हो जाते हैं हमारे गलत, क्यों देख लेते हैं। ये कह रहा है लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो तब होता है जब पानी के अंदर कोई भी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं। तो होता क्या है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स वाटर के अवेलेबल होते हैं जो मूव कर सकते हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाता है हमारा। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत हमारा यहाँ पे। अब बात करूँ अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन सी के बारे में, कह रहा है मोर देन जीरो बट लेस देन वन। तो मैंने आपको बताया था जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है वो हो सकती है जीरो, उससे ज़्यादा ये पॉजिटिव में जा ही नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी हो गया गलत। साथ ही साथ ऑप्शन डी भी गलत होगा जो कह रहा है मोर देन वन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।